ओम शांति। बाबा हमें स्मृतियाँ दिलाकर बहुत बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। माया युगों से बड़ी ही पावरफुल रही है। माया के सामने सभी हार मान चुके थे, लेकिन बाबा ने हमें स्मृति दिलाकर माया जीत बना दिया है। आज दो स्मृतियों पर हम बात कर रहे हैं। एक है, बाबा ने हमें याद दिलाया कि सर्वशक्तिवान का वर्षा तुम्हें प्राप्त है, सर्वशक्तियाँ। तुम सर्वशक्तियों के मालिक हो, इसे फील करो, इसे स्वीकार करो, इसके नशे में रहो। बहुत बड़ी बात है। जो शक्तियाँ अब तक शिव बाबा के पास थी, वो अब हमारे पास भी हैं, क्योंकि हम उसकी संतान बने हैं, तो हम बहुत बहुत पावरफुल हैं। पहचाने अपनी शक्तियों को। दूसरी स्मृति दिलाई विजय की। बहुत सुंदर शब्द बोले, तुम्हारे लिए बाप का वर्षा ही है विजय। अगर भगवान के बच्चे ही विजयी नहीं बनेंगे तो भला कौन बनेगा? अगर सर्वशक्तिवान के बच्चे ही विजयी नहीं बनेंगे तो और किसकी विजय संसार में होगी? तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने कल्प कल्प विजय पाई है, अब तो केवल हम रिपीट कर रहे हैं, नथिंग न्यू। इस नशे में आ जाएं तो हर कदम पर सहज विजय का अनुभव होगा। माया का कैसा भी स्वरूप हो, विघ्नों का कैसा भी स्वरूप हो, विजय हमारी ही होगी। इस नशे का बहुत ज़्यादा महत्व है। सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कल्प कल्प की विजयी रत्न हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने इस माया पर कल्प कल्प विजय पाई है। सवेरे उठते ही जब ऐसी गुड फीलिंग में आ जाएंगे तो क्या होगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, और मैं विजय रतन हूँ, ये शक्तियाँ हमें विजय दिलाने के कार्य में लग जाएंगी, तो हमारी विजय बहुत सरल हो जाएगी। तो आज सारा दिन हम चेक करें कितना हमें नशा रहता है। ये दोनों हमारे स्वमान भी हैं और हमारा स्वरूप भी है। विजय हमारी होनी ही है। और ये देखेंगे कि सारे दिन में किसी भी माया के विकार पर, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष क्यों न हो, पर चिंतन हो, प्रदर्शन हो, दूसरों के लिए अवगुणी दृष्टि हो, इन सब पर हमारी जल्दी जल्दी विजय होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे विकार भी हमारी शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। और अपनी शक्तियों की स्मृति हमें कितनी रहती है? क्या हम छोटी छोटी बात आने पर घबरा जाते हैं या हम भयभीत हो जाते हैं? जैसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी डरता नहीं है, उसके अंदर धैर्य बना रहता है, क्या हमारे अंदर भी संपूर्ण धैर्य विराजमान रहता है? तो सारा दिन हम बहुत सुंदर इन दोनों फीलिंग्स को अपने अंदर लाएंगे। गहराई से समझ लिया होगा आप सभी ने इन दोनों बातों को। तो जिनको माया को जीतना कठिन हो रहा है, उनको माया को जीतना सरल हो जाएगा। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये बहुत सुंदर हमारा गेम है। मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में हूँ। कुछ देर फील करेंगे अपने को मस्तक के बद्ध में। मैं इस देह को छोड़कर अपने फरिश्ते स्वरूप में चली जाती हूँ, जो मेरे लेफ्ट साइड में सामने खड़ा है।
अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने खड़ा देखें, चमकती हुई आत्मा चमकते हुए प्रकाश के शरीर में विराजमान है, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। फिर वहां से निकलकर अपने देव शरीर में पहुंच गए जो हमारे राइट साइड में विराजमान है। मैं अपने दिव्य देवताई स्वरूप में सिर पर डबल ताज कंचन काया चमकता हुआ ललाट अंग अंग सुगंधित फिर वापिस ब्राह्मण शरीर में। ये खेल हम सारा दिन करते रहेंगे और आनंद लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।